सर ये दोनों पाकिस्तान का जो सीपैक है और अब इंडिया की तरफ से जो शुरू किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये कहीं चाइना और पाकिस्तान वाले कॉरिडोर वाला हाल तो नहीं होगा? आरजू जी, पहली बात यह है कि जो आपने कॉरिडोर की बात करी है मिडिल ईस्ट में, उसमें चाइना नहीं है। आपने गलती से चाइना बोल दिया, वो भारत है। हाँ भारत, सॉरी सॉरी, भारत सॉरी। मिडिल आपको ईस्ट और जहां तक देखिए सर, गहरा हो, सिर्फ चाइना मेरे ध्यान में आता है, पता नहीं। चाइना नहीं है इसके अंदर। इसमें भारत है, मिडिल ईस्ट है, एंड आपका इजराइल है। आपका इजराइल बोल रहा हूँ आपको मैं। तो व्हाई यू से दैट दिस इज अ गेम चेंज? मैं हमेशा बोलता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है, हम देखते हैं कि इसको ये गेम चेंजर होने वाला है। यूएसए वॉन्ट्स की ये कॉरिडोर बने, जबकि यूएसए को कोई फायदा नहीं है। यूएसए इज नॉट पार्ट ऑफ इट, बट दे वॉन्ट दैट टू हैपन बिकॉज दे वॉन्ट टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने का बेस्ट तरीका ये था, बिकॉज चाइना चाहता था कि मिडल ईस्ट के थ्रू चाइना को पहले लिंक किया जाए, फिर चाइना के बाद अफ्रीका में एंटर किया जाए। यूएसए भी चाहेगा नहीं, भारत भी नहीं चाहेगा कि भाई इतना लंबा रूट इनको दे दी जाए। इट्स गोइंग टू बी अ फ्री पास। फ्री पास नहीं है, इनके हाईवे के सामने हमने अपना हाईवे निकाल दिया, इनके हाईवे को वहीं पे रोक दिया है ताकि आगे बढ़ ही ना सके वहां से। सो एज फार एज देखिए, हमने इतनी तरक्की देखी है। चाइना, चाइना ने तरक्की करी पाकिस्तान में 10 साल। उन्होंने आपको इतने पैसे दिए, इतनी वहां पे आपके पोर्ट्स बना दिए, हाई पोर्ट बना दिए, हाईवे बना दिए, दूध की नहरें बहनी शुरू होगी, शहद के तालाब वहां पे बन गए। हमने बोला भी पाकिस्तान ने इतने फायदे लिए, हम भी कुछ ले रहे हैं। देखिए, हमें थोड़ी सी अकल ले जाती है, लेकिन हमने पाकिस्तान से सीख लिया है कि 10 सालों में जैसे आपने 25-26 बिलियन डॉलर फ्री में मिल गए, आपको वापस आपने करने नहीं है। हमने बोला चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, मिडल ईस्ट पैसे लगाने को तैयार है, लगवा लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो आपने 25-26 बिलियन लिए, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमने कुछ लेना है। हम लेंगे बिजनेस। जो रेलवे लाइन पढ़नी है वो भारत लेगा, आगे जो रेलवे चलनी है वो भी भारत देगा। सो ट्रेड भी भारत से होना है। सो वेयर इन वी आर सेइंग कि जो वहां से ट्रेड, देखिए वी आर नॉट इम्पोर्टिंग मच प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिडल ईस्ट। हम तो एक्सपोर्ट ही करने की बात करते हैं कि तेल हम आपसे लेंगे लोकल करेंसी में और माल बेचेंगे भारत, भारत का और साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ ईस्ट एशिया को हमने ऑलरेडी अपने पाले में ले लिया है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स हम यूरोप तक भेजेंगे थ्रू दिस कॉरिडोर। दैट मीन्स भारत अब हब बनने वाला है इन साउथ ईस्ट एशिया के लिए। लेकिन सर जो मैप दिखाया गया था वो ऐसे ही था कि इंडिया, इंडिया से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से यूरोप। लेकिन बीच में अगर जो टर्की जैसे कह रहा है कि जी उनके, या तुर्की जो अब उन्होंने नाम रख दिया, तो वो कह रहे हैं कि जी उनके बगैर नहीं हो सकता। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान से आप बहुत सी चीजें सीख सकते हैं कि आपने क्या नहीं करना, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से फ्लॉप हुए हैं, जिस तरीके से पैसा जाया हुआ है, करप्शन हुई है, बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से सीपैक का ये हाल है। तो बिल्कुल उसमें मैं तो कभी इनकार नहीं करूंगी कि एक बहुत गड़बड़ यहाँ पर रही है उस प्रोजेक्ट को लेकर। तो बिल्कुल अगर कोई दूसरा नया शुरू करता है तो पाकिस्तान से ही तो सीख ही सकते हैं कि नहीं, ये चीजें जो है आपने जो है खास आपने इस पे जो है इम्पोर्टेंस देनी है इन पॉइंट्स को। देखिए अर्जुन जी, पहली बात यह कि ये प्रोजेक्ट कहाँ हो रहा है और मनी कौन लगा रहा है? मनी लगा रहे हैं यूएई वाले या सऊदी वाले? अब वहां पर आप सऊदी प्रिंस को तो खरीदने से रहे ना, आप यूएई के जो हैं उन्होंने हेड ऑफ स्टेट हैं उनको खरीद सकते हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। एंड अवर कंपनीज आर गोइंग टू टेक प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दोस। हमारे पास कोई भी ऐसा कोई मंशा नहीं है कि हम वहां से पैसे बनाएं अपना। हमें तो सिर्फ ट्रेड रूट खोलना है ताकि हमारा जो मटेरियल है यहाँ से बन के यूरोप तक पहुंचे, मिडिल ईस्ट भी पहुंचे और यूरोप भी पहुंचे। सो एज फार एज सीखने की चीज है, वी डोंट वांट टू लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम यू कि भाई पैसे कैसे खाने हैं। हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे तो सिर्फ ट्रेड से मतलब है। नहीं, वी आर अ सर मैं ये बिजनेस नहीं कह कम्युनिटी। रही, सर मैं ये नहीं कह रही कि आई पैसे कैसे अंडरस्टैंड, खा रहे आई हैं। नो, मेरा मतलब है कि दूसरे की गलती से, अगर दूसरे के अच्छे काम से सीखा जा सकता है तो दूसरे की गलती से भी सीखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि उसमें से गुजर के ही सीखें आप उस प्रोसेस में ट्रू से। ट्रू तो ट्रू। एंड सेकेंडली, लेकिन जो आपने सर बोला इस ना कि जी जो ये जो मैप है ये भारत से मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से यूरोप तक जा रहा है, ये दिस इज ओनली टू ट्रेड रूट्स है। हम ऑलरेडी आसियान में जाकर साउथ ईस्ट एशिया को ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आप भारत को हब बनाइए, आपका मटेरियल हमारे पास आएगा, हमारा मटेरियल साथ में जुड़कर यूरोप तक भेजने का काम हमारा है। सो दिस रूट यू कैन यूज ऑल्सो, ताकि आपको भी मिडिल ईस्ट में जाना है या यूरोप में जाना है, आप हमारे ट्रेड रूट्स को यूज कर सकते हैं। एंड दे हैव सेड यस ऑल्सो। आसियान छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज थिंग फॉर भारत। इसका फायदा हमें 5-6 सालों के बाद जाके पता लगेगा, इट इज नॉट अ इमीडिएट थिंग, बट बेनिफिट विल कम। लेकिन सर सिर्फ भारत के लिए नहीं, आप नहीं समझते कि ये पूरे रीजन के लिए ये चीज अच्छी होगी? यस, देखिए भारत ने कभी भी ये बात नहीं करी
कि मुझे फायदा चाहिए। हमने पहले साउथ ईस्ट एशिया को बोल दिया कि भाई आप हमारा इस रूट का फायदा ले सकते हैं। अफ्रीका को हमने ऑलरेडी G20 में ऐड करवाने के बाद, देखिए कहीं ना कहीं हमने सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया, और उसका मटेरियल अगर मिडिल ईस्ट तक आता है, उसके बाद यूरोप जाता है, तो हमने ग्लोबल साउथ के लीडर हम ऑलरेडी बन चुके हैं। हमें किसी के अब स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है या एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी आर द ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो ये जो सारा रीजन है इसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस ट्रेड रूट के साथ। आरजू जी, आपको समझना पड़ेगा कि अकेला भारत से 2, 4, 5 शिप चली जाए और ये ट्रेड रूट वायबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। द ऑल ऑल दिस रीजन हैज टू टेक एडवांटेज, तभी इसकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी आएगी। चाइना ऑलरेडी बोल रहा है ये तो चलने से पहले फेल हो गया। भाई इतनी आग लगी है इनको, अभी हमने अनाउंस किया है, पहली ईंट भी रखी नहीं है उसके ऊपर, इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया ये तो फेल होने वाला है। रीजन क्या है? इन्होंने भी एक्टिवेट कर दिया ईरान को, पहले तो तुर्कियों को किया कि भाई आप पांजी, पंजाबी में पांजी मार दो, उधर से ईरान को बोल देंगे भी आप भी पांजी मारो थोड़ी सी, है ना, कुछ कुछ ना कुछ कर दो। तुर्की ने बोल दिया भी अगर हमें ना किया तो हम ब्रदरहुड को एक्टिवेट कर देंगे। अब ब्रदरहुड क्या है? आईसिस, अलकायदा, यू नो ये ब्रदर्स है ना इनके, तो इनको एक्टिवेट कर देंगे ताकि इनको तंग करते रहें और ये प्रोजेक्ट को ना होने दिया जाए। तुर्की क्यों बोल रहा है कि यू मेक मी पार्ट ऑफ इट? दो रीजन है। एक, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया से ट्रेन जा रही है एंड इट इज गोइंग टू इसराइल? सऊदी अरेबिया इजराइल इकट्ठे हो गए तो फिर तो सारा कुछ चेंज हो गया, ठीक है। वर्ल्ड चेंज तो हो रहा है सर, इसका देखिए मतलब नहीं कि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। बहुत अच्छा है अगर सऊदी अरब ऐसा कर रहा सऊदी अरेबिया में जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, ही हैज कम आउट ऑफ दैट फनेटिक जो इनका था पहले सऊदीज का, मुस्लिम्स को लेकर, यू नो ये शरिया को लेकर, व्हाट एवर दैट मैडनेस दे यूज्ड टू डू, ये बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, ओपन कर रहा है अपनी चीजों को, अपनी कंट्री को भी ये तैयार कर रहे हैं कि हमें अभी इसराइल को एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्रेड रूट्स को खोलना चाहिए, इसी में हमारा फ्यूचर सिक्योर है। अब जब ये चीजें तुर्की के बॉर्डर पे हो रही हो, तुर्की नहीं चाहेगा कि वो आइसोलेट हो जाए। देखिए तुर्की ऑलरेडी आइसोलेट हुआ पड़ा है, करेंसी डाउन है, ट्रेड उसका पूरे वर्ल्ड से बंद है आज की डेट में। दे नीड समथिंग टू बिकम रेलिवेंट इन दैट एरिया। अगर ये ट्रेड, ये रेलवे लाइन जो है, अगर तुर्की से होकर जाती है, आप सोच के देखिए तुर्की के पास क्या फायदा है। एक, दे विल ऑल्सो मेक मनी आउट ऑफ इट। दूसरा, कल को कभी भी सऊदी के साथ या इसराइल के साथ किसी के साथ भी पंगा पड़ता है, जो पड़ेगा पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर वापस आ जाए, तो उस टाइम पर इनके पास एक नेगोशिएशन वो होगा, टूल होगा कि भाई हम आपकी ट्रेन जाने नहीं देंगे। सो ये लॉन्ग टर्म एक व्यू है जहां पर तुर्की वांट्स टू बिकम दैट ट्रबल मेकर इन दैट प्रोजेक्ट, और चाइना चाहता है कि ऐसे लोग खड़े होते रहें कि भाई आप मुझे नहीं लेकर आएंगे, हम आपका ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने देंगे। सो दैट तुर्की आएगा तो बोलेगा भी चाइना को भी लेके आओ। सो दिस इज अ गेम प्लान, जियो पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलता है। लेकिन सर वैसे होना तो यही चाहिए कि कंपटीशन के तौर पे जो है चाइना को भी अपने तरफ के सी पैक पे और ज्यादा देखना चाहिए कि किस तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन चाइना को अगर हम देखें, पाकिस्तान तो चलें बात करेगा, मैं नहीं बात कर रही आपने बोला चाइना को चाहिए कि वो सीपैक को पूरा करे, दैट मींस आपको और पैसे दे दे, वाह, हाँ सर, समझा करें ना सर, घुमा आपके फिरा के बात करते हैं, सब ऐसे सीधे सीधे मांगते हुए अच्छा नहीं लगता ना, तरीके होते हैं हमारे आप भी अपने अपने तरीके। बाबू पे गई है, पूरे बाबू पे, उन्होंने पीआईए खा गए, आप चाइना खा गए हो। सर खुदा मेरे मामू ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग उनके पीछे पड़ गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि चाइना जो है वो, उसको तो यकीन है पाकिस्तान को भी, खैर इतना मैं नहीं समझती कि कोई बहुत पाकिस्तान भी अप्रिशिएट करेगा, हालांकि करना चाहिए। लेकिन चाइना को अगर हम पहले फोकस करें, आपके ख्याल से चाइना की क्या फीलिंग्स होंगी, चाइना क्या सोचेगा कि मैं इधर सीपैक कब से बना रहा हूँ, कई सालों से और नहीं हो पाया, और इंडिया का जब ये प्रोसेस ये देखेंगे, ये प्रोजेक्ट देखेंगे, तो आपके ख्याल से चाइना से कोई स्टेटमेंट आएगी? देखिए चाइना बहुत तेजी से प्रोजेक्ट्स को पूरा करता है, उसका अगर लॉन्गेस्ट कोई प्रोजेक्ट है वो है सीपैक। 10 साल हो गए अभी तक पूरा नहीं हुआ, और अगले 10-20 साल भी पूरा नहीं होने वाला। भारत की आज की डेट में अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी जी आज डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं 2 साल में पूरा हो जाएगा, ये चीज 3 साल में पूरी हो जाएगी। अब तो हम बात करते हैं कुछ महीनों की, यू नो 24 मंथ्स, 28 मंथ्स, ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। अभी ये जो कॉरिडोर है ये भी इन्होंने 2 या 3 साल का प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर अंदर हमने पूरा करना है।
नाउ भारत इज वर्किंग एट अ सुपर स्पीड। चाइना को भी मालूम है कि अगर इन्होंने अनाउंस किया है, और देखिए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, प्लानिंग एंड पैसा। प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, पैसा सऊदी ने और यूएई ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम लगाने को तैयार है। तो पैसा आपके पास है, प्लानिंग आपके पास है, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। सो चाइना को दर्द होगा क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था इस एरिया में। और जैसे ही हमारा ये ट्रेड रूट बनता है, चाइना की जो दादागिरी थी BRI को लेकर, वो भी हमने खत्म कर दी है। वो रह जाएगा, सिर्फ एक ही दोस्त है उनका, वो है पाकिस्तान, जिसमें ऐसी हड्डी है पाकिस्तान, ना निकाल सकता है ना रख सकता है। तो चाइना को दर्द होगा और होना भी चाहिए, बिकॉज दे पुट ऑल देयर एग्स इनटू योर बास्केट, और आप बास्केट लेके भाग चुके हो। सर सर चाइना हमारा दोस्त नहीं है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के लोग ये क्यों कहते हैं कि चाइना दोस्त है, चाइना हमारा बॉस है। और वैसे भी अगर आप किसी से पैसे लें तो नॉर्मल लाइफ में भी अगर आम लोग भी किसी से पैसे लें तो वो दोस्त के साथ जिस तरह के रिलेशंस हो जाते हैं वो दोस्त तो नहीं रहता फिर, जाहिर है कि एक आई एग्री। और दोस्ती बराबर के लोगों में होती है। हमारा कहीं से वो है नहीं कि हम चाइना के दोस्त बन सके। हमारे पास मतलब आप अगर किसी को देखें तो दोस्त एक जैसे ही होते हैं ना, एक ही उनका स्टेटस होता है, फाइनेंशियल स्टेटस भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही होता है। ये आलू तो जी मूवीज देखिए में होता है दोस्ती, कि वो बच्चन साहब जो है वो जा रहे हैं और महल में से और इतने बड़े विला से, और दोस्त जो है राजेश खन्ना वो कहीं स्लम एरिया में रह रहे हैं। ये तो हाँ सर मूवीज में चलता है, नहीं मूवीज में भी है, पाकिस्तान चाइना का भी वो यही थी हाल ना है, उनकी मूवी थी ना नमक हराम उसमें। नमक हराम में। तो आप, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपका और चाइना का भी यही रिश्ता है नमक हराम का। तो उसमें भी यही है कि आपने चाइना से पैसे लिए, चाइना को आपकी जरूरत क्यों पड़ी, आपकी दोस्ती की। बिकॉज भारत को अगर कंटेन करना है, तंग करना है, तो पाकिस्तान बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। दोस्ती बराबरी की नहीं होती, लेकिन म्यूचुअल इंटरेस्ट की होती है। आपका इंटरेस्ट एक ही है, भारत से दुश्मनी और फ्री में पैसे, जो चाइना आपको दोनों दे सकता है, फंड कर सकता है। चाइना को भी कोई और कंट्री नहीं मिल सकता भारत से दुश्मनी करने के लिए। तो दोस्ती जो है म्यूचुअल इंटरेस्ट की है, बराबरी की नहीं है। नमक जो हराम की बात करी, वो मैं आगे और एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। तो ये दोस्ती वही वाली हाल है, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना वाली। बिल्कुल सही। लेकिन सर आपके ख्याल से अगर हम इधर अपने सीपैक की तरफ आ जाएं, बार बार कहा जा रहा है कि इसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, इसको दोबारा से बनाना शुरू करेंगे, फेज टू भी स्टार्ट करने की बात की जा रही है। जाहिर है चाइना इतने टाइम में ये तो देख ही चुका है कि जो पहला फेज था वो किस तरह से जो है वो उसको नुकसान हुआ या डैमेज हुआ, चाहे वो करप्शन कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए। अगर पिज्जा फ्रेंचाइज भी तो बनी ही है ना, तो वो इन्हीं के पैसे से बनी है। तो लेकिन ये है कि क्या चाइना कुछ सबक सीखेगा, क्या वो पाकिस्तान से कहेगा कि जी अब जो फेज टू आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज जो है ऐसी करें कि जिससे करप्शन वगैरह ना हो और पैसा जिस चीज के लिए है वहीं पे लगे। आरजू जी, चाइना को भी करप्ट गवर्नमेंट्स अच्छी लगती हैं। चाइना चाहता है कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो, चाइना भी चाहता है कि आप उसके कर्जे के नीचे दबते रहें, ताकि जो वो आपसे करवाना चाहे वो करवा लाए। उसको भारत को तंग करना है, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल। वो पैसे दिए हैं आपको, फंसे हुए आप वापस कर नहीं पाते हो। जैसे ही उसकी कोई किश्त ड्यू होती है 2 या 3 बिलियन डॉलर्स की, आपने देखा होगा कोई ना कोई पंगा आप भी ले लेते हो भारत के साथ, क्योंकि आपने किस्त वापस नहीं करनी होती। उनको खुश करने के लिए आप कोई ना कोई एडवेंचर, आपको मैंने पहले बताया था आपका एडवेंचर तो वही है कि बॉम्ब फेंक दिया, गोलियां चला दी, किसी को मार दिया, काट दिया, गले काट दिए, तो ये एडवेंचर है। तो चाइना भी ये चीज को पहचानता है, तभी वो चाहता है कि आप कर्जे के नीचे दबे रहें, ताकि आपको यूज किया जाए। दूसरा, एज फार एज चाइना को अकल की बात है, अकल इनको पूरी है, पूरी दुनिया को चलाते हैं, पूरी दुनिया में माल बना के बेचते हैं। दे आर अ बिजनेस कम्युनिटी, इनको मालूम है हमने कैसे पैसे दिए हैं और कैसे पैसे निकलवाने हैं, इनको दोनों काम आते हैं। भाई आपके साथ सीपैक किया, पूरे दुनिया को एग्रीमेंट का पता नहीं है कि आपने एग्रीमेंट क्या किया है, क्या टर्म्स हैं, आपके अपनी गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि उन्होंने साइन क्या कर दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको पैसे मिल रहे हैं। अगर ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता आपकी कंट्री के लिए, तो आपको एग्रीमेंट दिखाना चाहिए ना कि ये एग्रीमेंट हमने किया है, इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है ही नहीं। इसीलिए आप फंसे हुए हो, आप भी निकल नहीं सकते हो। चाइना कभी भी और पैसा नहीं लगाएगा, जैसे आपकी उम्मीद है कि 40-50 बिलियन डॉलर और आ जाएंगे फेज टू में, नहीं आएंगे। वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, नवाज शरीफ को उन्होंने टेस्ट कर लिया, आर्मी चीफ्स को टेस्ट कर लिया, इमरान खान को टेस्ट कर लिया, अब और कौन रह गया टेस्ट करने के लिए। भाई यही तो गवर्नमेंट्स है ना, पीपीपी के आपके आदमी तो ऑलरेडी थे, ये वाली जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी उन्होंने सबको टेस्ट कर लिया। बिलावल जो है आपके
सलवार कमीज वाले रात को लेडीज ड्रेस डाल के वो हाँ चले गए थे चाइना में, और वहां पर भी जाके उन्होंने क्या कुछ हरकतें करी हैं, वी ऑल नो इट। सो उन्होंने आपको नाप लिया कि आपके जो हुक्मरान है वो कितने पानी में है, तो दे नो कि यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स दे दिया, आपकी पब्लिक भी बड़ी खुश हो जाती है, वो देखिए जी शहद हिमालय गहरा जो बोलते रहते हो आप, तो वो जो टर्म्स यूज करते हो पाकिस्तान चाइना के लिए वो एक स्टेटमेंट्स है लोगों को खुश करने के लिए। चाइना पैसा नहीं लगाएगा, आप जितनी मर्जी वेट करते रहे। लेकिन सर ये भी तो बताया गया कि चाइना ने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने पैसा नहीं लगाया बल्कि प्राइवेट कंपनीज से कह के पैसा लगवाया था। और लेकिन ये कि ये कहा था चाइनीज के चाइना गवर्नमेंट ने कि जी रिस्पॉन्सिबल वो है कि पैसा वापस आएगा। तो अब जो नहीं प्राइवेट कंपनीज है वो क्या अपनी गवर्नमेंट को चाइना चाइना में जो गवर्नमेंट है उसको हार्ड टाइम नहीं दे रही? अर्जुन जी, यहाँ पर पहले बताता हूँ मैं आपको कि एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं। अगर चाइना ने कोई प्रोजेक्ट किया आपके साथ सीपैक, उसकी दो कंडीशंस हैं। एक, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे हिंदुस्तान में अदानी है, बहुत बड़ा नाम है, जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी बाहर जाती है कहीं पोर्ट्स बनाने हो तो वो बोलते हैं भी आपको पोर्ट्स बनाने हैं, हमारे पास अदानी है आप उसे बनवा सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो हमारे पास टाटा है, आप टाटा से गाड़ी ले सकते हैं। आपको मोबाइल का नेटवर्क खड़ा करना है, आप रिलायंस से बात कीजिए, रिलायंस आपका पूरा नेटवर्क खड़ा करेगा। तो दैट मीन्स भारत की जो गवर्नमेंट है वो भी अपने बिजनेसेस को प्रमोट करती है। भारत की सरकार तो ये काम करती नहीं है, उसको किसी ना किसी कंपनी को ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही चाइना का हाल है, जैसे ही चाइना आपके पास आया कि भी आपने ये प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, तो जो पोर्ट्स बनाता है उन्होंने पोर्ट्स वाले को बोल दिया कि भाई तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो प्राइवेट कंपनी आएगी। गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट कभी करती नहीं है। बट व्हाट इज द डिफरेंस, जो एग्रीमेंट है वो प्राइवेट कंपनी ने नहीं किया है, वो किया है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दैट मींस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गारंटी दी है पाकिस्तान गवर्नमेंट की, जिसकी गारंटी अपनी कंट्री में भी चलती नहीं है, उन्होंने चाइना को गारंटी दे दी कि आपके पैसे हमारी कंट्री वापस करेगी। ये कंडीशंस है, अगर हमने वापस नहीं किया हम अपना एयरपोर्ट अपने पोर्ट अपनी जिंदगियां अपने फ्यूचर अपने बच्चों को भी हमने गिरवी रख दिया आपके पास, वो आपकी गुलामी करेंगे आपके बूट पॉलिश करेंगे, ये आपने लिख के दिए। और अगर उन्होंने नहीं कर पाए तो उसके ऊपर सूद जो है वो 8% 10% कुछ भी लगा दिया चाइना ने, क्योंकि इससे कम वो लेते नहीं है। तो ये गारंटीज पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, ये आपको वापस करने पड़ेंगे। और जो कंपनीज वहां पर हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट करे हैं यहाँ पर, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट किया है अगर उसके पैसे वापस नहीं आते, कंपनी ने कभी भी आपको तंग नहीं किया, चाइनीज गवर्नमेंट आपको तंग करती है कि आप हमारी कंपनी का पैसा वापस कीजिए। आपने नोट किया होगा वहां की कंपनीज कभी आपको बोलती भी नहीं है कि भाई हमारे पैसे वापस नहीं आ रहे, वो सिर्फ बिजली बंद कर देते पीछे से, आपको पैसे देने पड़ते हैं और चाइनीज गवर्नमेंट को मालूम है आपसे पैसे कैसे लेने हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, हाईवेज ले लिए, इलेक्ट्रिसिटी के आपके जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके हाथ में है, पोर्ट्स हैं एयरपोर्ट्स हैं, हर चीज उनके पास है। आप सोच के देखिए, आप फ्लाइट लेने जाइए उन्होंने एयरपोर्ट का ताला बंद कर दिया कि नहीं जी पहले पैसे दो तो हम एयरपोर्ट खोलेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उन्होंने आपकी सारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स अपने नाम पे की हुई हैं, यू हैव नो वे आउट, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, यही चाइनीज का स्टाइल है। बिल्कुल सही। लेकिन आप ये देखते हैं कि ये पैसे किस तरह से पाकिस्तान गवर्नमेंट अरेंज करती है देने के लिए और वो कैसे हमसे निकलवा पाते हैं, इसलिए कि हम भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग हमें जानते ही हैं, तो मैं इसलिए तो जाता हमारा हूं, टैलेंट भी जो है ना सर उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो सिर्फ ये ना समझे कि आप क्योंकि चाइना में बैठे तो आप चाइना की तारीफ करेंगे और हमें ये बताएंगे कि हमसे वो पैसे निकलवा लेंगे। हमसे पैसे निकलवाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, वो हमें पैसे देने चाइना वाले पैदा हुए चाइना मगर लेने वाले पैदा नहीं हुए। चाइना भी ये सोच रहा था कि मेरे कोई ऐसा भाई का लाल है नहीं कोई जो मेरे पैसे लेके भाग जाए। आप तो पूरा कटोर पूरी की पूरी जो टोकरी है वही लेके भाग गए जिसमें सारे अंडे डाले थे चाइना ने, आपने तो कि बिल्कुल अंडे तो ऐसा अंडे तो अंडे क्या, आप तो टोकरी लेके भाग गए हो। ये भी हाथ लगा लगा के देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो गया ये। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल जो आम पब्लिक है वो इन चीजों से बहुत परेशान होती है और आई विश के थोड़ी अक्ल आए इस्टेब्लिशमेंट को भी और जो नहीं आ सकती, हमारे नहीं आ सकती है, मगर कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अक्ल आए और ये लोग इसमें से निकले और खुद काम करके और इस काबिल अपने आप को बनाए, ट्रेड वगैरह खोले और जो है इस काबिल हो कि अपने खुद कमा सके बजाय इसके कि सिर्फ लोन ले लेकर जो पाकिस्तान चलाया जा रहा है, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच सर, क्या आपने